थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर M.S. अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिंगार पट्टी मटिया गाँव में पंचायती के दौरान गोली चला है। आपको बता दें कि इस घटना में परशुराम साह का पुत्र जो कि मिथिलेश कुमार है, उसके पेट के बाएं हिस्से में गोली लगा है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में खूब जम के लाठी डंडे भी चले हैं, जिसके बाद नीरज कुमार को भी काफी ज्यादा चोट आई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिंगार पट्टी मटिया गाँव में पंचायती के दौरान गोली चला है, जिसके बाद परशुराम साह के पुत्र मिथिलेश कुमार के पेट के बाएं हिस्से में गोली लगा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इन दोनों को सिवान के सदर अस्पताल लाया गया, जहां पे मिथिलेश कुमार के नाजुक स्थिति को देखते हुए सिवान के सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें पटना PMCH रेफर कर दिया, जबकि घायल नीरज कुमार का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिंगार पट्टी मटिया गांव के पंचायती के दौरान गोली चला है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में परशुराम साह का पुत्र मिथिलेश कुमार के पेट के बाएं हिस्से में गोली लगा है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि इस मारपीट में खूब जम के लाठी डंडे भी चले हैं, जिसके बाद नीरज कुमार को भी काफी ज्यादा चोट आई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे SN लाइव। वो लोग पंचायती में बुलाया, गांव का कुछ हल्का फुल्का झगड़ा था, उसमें बुलाने के बाद इन लोग को हम लोग प्लानिंग कर लिए थे मारने के लिए, और हथियार लेकर पहुंचा था सब पंचायत में। हम लोग देखे भी हैं, उसमें सरपंच साहब से हम बोले बात, लेकिन सरपंच साहब एक्सेप्ट नहीं किए, बोले कि आप काम का मत सुनिए, आँख का ध्यान आँख से देखिए तो कीजिए। हम बोल रहे थे लेकिन वो नहीं किए, अगर वो अगर किए होता तो घटना नहीं होता, वो चेक किए होता कि हाँ किसी के पास हथियार घटना नहीं होता। मेरे भाई को गोली नहीं लगता, फिर मतीलाल है, सुमन है, रामदयाल का लड़का है, धीरज है राम प्रदेश का लड़का, और अमित है राम प्रदेश का लड़का, और ये इनका क्या नाम है जिनको गोली लगा है? छोटेलाल है, राम स्वरूप है, नारायण है, मेरा भाई है, मिथिलेश नाम है। क्या नाम इनका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश सिंगारपट्टी।